तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर कुछ आईपीएल टीमों ने पहले मैच में जीत के साथ इस साल के कैंपेन की शुरुआत करी थी, जबकि तीन आईपीएल टीमें अपना पहला मैच हार चुकी है। पहले ही मैच में तीन आईपीएल टीमों को हार मिली थी और पहला मैच हारने के बाद यहां पर आज तीन आईपीएल टीमों ने अपनी टीमों में और आने वाले मैच की प्लेइंग 11 को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सी तीन आईपीएल टीमों ने अपने अपकमिंग मैचेस को लेकर अपनी टीमों में अपने स्क्वाड में बदलाव किए हैं। मैं इस वीडियो में आपको उन तीनों टीमों के नाम बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से बदलाव इन तीनों टीमों ने अपनी टीम्स में किए हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आखिर कौन सी तीन टीमों को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है और पहला मैच हारने के बाद इन टीमों में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें एमआई की टीम की, तो एमआई की टीम का पहला मैच 19 सितंबर को सीएसके के खिलाफ हुआ था और इस मैच में एमआई की टीम सीएसके से 5 विकेट से हार गई थी। और पहले मैच में हार के बाद यहां पर अब इस टीम का अगला मैच 23 सितंबर को यानी कल केकेआर के खिलाफ होगा। और इस मैच से पहले यहाँ पर दो चीज़ें पूरी तरीके से कन्फर्म्ड हो चुकी है। दरअसल एमआई की टीम के हेड कोच महिला जयवर्धन ने ये कन्फर्म्ड कर दिया है कि जो केकेआर के खिलाफ मैच होगा उसके लिए कुल्टर नाइल पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और प्लेइंग 11 में हमें कुल्टर नाइल खेलते हुए दिखेंगे। इससे एमआई की टीम को एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज मिल जाएगा। इसके साथ ही इस टीम को डेथ बॉलर और शुरुआत या फिर मिडल ओवर में गेंदबाजी करने वाला एक गेंदबाज मिल जाएगा। इसके साथ ही एमआई की टीम के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सीपीएल से इस टीम ने अल्जारी जोसफ को अपनी टीम में बुलाया था और अब अल्जारी जोसफ का क्वारंटाइन पीरियड और टेस्टिंग पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और उनको भी आईपीएल में खेलने की अनुमति मिल चुकी है। एमआई की टीम ने नेट बॉलर के तौर पर इनको दुबई बुलाया था, लेकिन अब इनको भी एमआई की टीम ने खिलाने के लिए अनुमति ले ली है। तो दुबई और यूएई जैसी कंडीशन में ये काफी यूजफुल होंगे। तो यहां पर एमआई की टीम के पास अल्जारी जोसफ को भी अपनी प्लेइंग 11 में लेने का मौका है, पर ये तो पूरी तरीके से कंफर्म्ड हो चुका है। कुल्टर नाइल अगले मैच में हमें खेलते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए एमआई की टीम का जो अब केकेआर के खिलाफ मैच होगा इसमें ये टीम केकेआर को हराकर अपना पहला मैच जीत पाएगी या फिर नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। इसके बाद अगर इस लिस्ट में हम दूसरे नंबर पर बात करें पंजाब की टीम की, तो पंजाब की टीम को पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने सुपर ओवर में हरा दिया था और इसके बाद पंजाब की टीम की तरफ से भी यहां पर बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल इस टीम के हेड कोच अनिल कुंबले की तरफ से ये लगभग कंफर्म्ड हो चुका, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि जो 24 सितंबर को इस टीम का आरसीबी के खिलाफ जो दूसरा मैच होगा उसमें क्रिस गेल को दोबारा से प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। पहले मैच में कुछ रीजन के चलते हुए वो प्लेइंग 11 से बाहर थे, लेकिन अगले मैच में वो वहां पर केएल राहुल के साथ हमें ओपन करते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए अब क्रिस गेल को प्लेइंग 11 में मौका मिलने के बाद 24 सितंबर को ये टीम आरसीबी को हरा पाएगी या फिर नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें हैदराबाद की टीम की, तो हैदराबाद की टीम को भी पहले मैच में आरसीबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही हैदराबाद की टीम के ऑलराउंडर मिचेल मार्च को भी एंकल में इंजरी हो गई थी, इसके बाद ये उस मैच में हमें अवेलेबल नहीं दिखे थे और इसके बाद ऐसी रिपोर्ट निकल कर रही है कि ये टीम रिप्लेसमेंट के तौर पर बांग्लादेश के शाकिब अल हसन के साथ फिलहाल कॉन्टेक्ट कर रही है। अब शाकिब अल हसन का बैन समाप्त हो चुका है, इन्होंने बीसीसीआई से लेटर लिखकर आईपीएल में खेलने की अनुमति ले ली थी, तो हो सकता हैदराबाद की टीम में यहां पर शाकिब अल हसन की भी एंट्री हो जाए। इसके साथ ही ये भी पूरी तरीके से कंफर्म्ड हो चुका है इस टीम का जो अगला मैच होगा उसमें हमें मोहम्मद नाबी प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे। मिचेल मार्श की जगह अब नाबी को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए अब ये चेंजेस करने के बाद हैदराबाद की टीम भी अपना पहला मैच जीत पाएगी या फिर नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।